अब तक आपने देखा नटखट कान्हा कैसे मना रहा मैया को। मैया, भूख लगी है ना? नहीं लला, मुझे भूख नहीं लगी। जूत, भूख के मारे आंखों में आंसू निकल ले। भूख नहीं है। कंस ने रचा एक और नया षड्यंत्र। शीघ्र करो, मेरे पास समय बहुत कम है। आप जानते हैं ना महाराज, जब ये गुफा खुलती है तो क्या होता है? जानता हूँ, इसलिए तो खुलवा रहा हूँ। आज देखिए, ये क्या नई आपदा है। हरि, आप आगे मत जाइए। हरि, तुम हमसे ये सब क्या करा रहे हो काना? इतनी मेहनत क्यों? बस अभी से चलते हैं। गांव में आई इस नई मुसीबत का हल कैसे निकालेंगे गोकुलवासी? आइए देखें आगे। माधव, ये पाषाण दृष्टिक कौन था? बड़ा ही भयावह जाना जाता है। हाँ रुक्मिणी, जिसकी एक दृष्टि से सब कुछ पाषाण बन जाए वो भयंकर तो होगा ही। उसका वास्तविक नाम पाषाण दृष्टिक नहीं था। वर्षों पूर्व वो विश्वान नाम एक सपेरा था। जब ये अपनी माता के गर्भ में था उस समय एक भयंकर विषैले सर्प ने उसकी माता को डस लिया। विश्वान का पिता एक अघोरी साधु था। उसने अपनी शक्ति से सर्प दंश के विष से किसी प्रकार माता और बालक दोनों को बचा ली। बालक ने जन्म लिया। परंतु भयंकर कालनाग के दंश का दुष्प्रभाव उस बालक पर पड़ा और इसी कारण उसका एक नेत्र हरा हो गया और शरीर नीला। इसी शरीर और रूप रंग ने उसे समाज की दृष्टि में तिरस्कार का पायरा बना दिया। लोग उसका उपहास भी करते। नियति के इस अन्याय को वो बालक सहन नहीं कर पाए और उसने अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध पूरे संसार से लेना प्रारंभ कर दिया। उसे ज्ञात हुआ कि उसकी दृष्टि में वो शक्ति जो किसी को भी पाषाण बना दे। तो विश्वान अपने मन के रोष को लोगों पर निकालने लगा। शक्ति मिलने पर यदि उत्तरदायित्व का भान न हो तो मनुष्य धीरे धीरे निरंकुश हो जाता और फिर बुरा। धीरे धीरे लोगों को पाषाण बनाने में उसे आनंद आने लगा। और एक दिन उसने एक तपस्वी के पुत्र अपनी शक्ति से पाषाण बना दिया। तुम्हारी एक क्या दशा हो गई है पुत्र? तुमने अपनी शक्ति से इसे पाषाण बना दिया। पाषाण दृष्टि, तेरे पास प्रतिशोध की शक्ति है तो मेरे पास तप बल है, वो भी तेरी शक्ति से अधिक। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस तरह से मेरा पुत्र काल कलवित हुआ है उसी तरह तुझे भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। नहीं। अतः वो मृत्यु से बचने के लिए भागता रहा और अंत में कंस ने उसे अपनी मायावी गुफा में शरण दी और तब से वो स्वयं को कंस का ऋणी मानने लगा। बलराम, कान्हा, ये सब शस्त्र देख रहे हो? जी बाबा।
इसे बाला कहते हैं। बाला, बाला। ये स्वयं की रक्षा करने का सबसे विश्वसनीय माध्यम है। पापा, अब तो कहते थे कि रक्षा का सबसे बड़ा सत्य आत्मविश्वास होता है। हाँ काला, आत्मविश्वास तो। तनिक सुनिए, मैं कुएं से जल भर लेकर आती हूँ। ठीक है यशोदा। मैया, संभाल के जाना। ठीक है मेरे नन्हे से रक्षक, मैं संभाल कर जाऊंगी और तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा लल्ला, बलराम, दोनों सुनो, तुम दोनों अपने बाबा को ज्यादा परेशान मत करना, वरना आज खाने में मैं माखन नहीं दूंगी। ठीक है? ठीक है मैया। आती हूँ मैं। बाबा आपने उत्तर नहीं दिया। तुम सत्य कह रहे हो काना, आत्मविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। यदि आत्मविश्वास ना हो तो ये बाला क्या, स्वयं ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता। यदि ये बात सारे गोकुलवासियों को समझ आ जाए तो कंस का सामना करना कितना सरल हो जाएगा। हम सब कंस को पिटेंगे बाबा, बहुत पिटेंगे। हाँ हाँ पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, अवश्य पीटेंगे। तनिक सुनिए। क्या हुआ यशोदा? आप चलिए मेरे साथ। बलराम, काना, क्या हुआ यशोदा? ये देखिए आ रहे। ये क्या नई आपदा है? हरि, आप आगे मत जाइए। हरि, ये सर बहुत ही विषैले और आक्रामक है, आप आगे मत जाइए, हट जाइए। किंतु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब सर्प यहाँ आए कैसे। चिरायु, दिखाओ इन्हें कि किस तरह ये सर्प मनुष्यों को भयभीत कर सकते हैं। समस्त गोकुल के हृदय में इतना भय भर दो कि ये लोग अपने प्यारे कृष्णा को ही भूल जाएं, और इस अवसर का लाभ उठाकर हम उस कृष्णा से अपने महाराज के अपमान का प्रतिशोध ले सकें। नंदराज जी, उपनंद, देखो ना ये सब क्या है। केवल यहां ही नहीं नंदराज, पूरे गोकुल से यही सूचना आ रही है। जितने भी जल के स्रोत हैं उन सब पर सर्प का निवास हो गया है। मनुष्य तो मनुष्य, जीव जंतु ने भी पानी पीना छोड़ दिया। कुछ कीजिए नंदराज, वरना हम सब प्यास से प्राण त्याग देंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसने, मैं क्या करूं? इन सब ने मुझसे आशा लगाई, किंतु इन सर्पों का मैं करूंगा क्या? सब ठीक हो जाएगा बाबा,
कोई ना कोई और जरूर निकलेगा। हाँ काना, भ्राताश्री एक उपाय है। सुना है कपूर के धुएं से सर्प डरते हैं। शायद ये उपाय कोई काम आ जाए। उपरांत जैसा देवी रोहिणी ने कहा है वैसा करो। अग्नि और कपूर का प्रबंध करो। जी नंदराज आइए। उपनंद अग्नि संभाल के आ रहे। चिंता मत करो यशोदा, मुझे कुछ नहीं होगा। सभी स्त्रियां अपने बालकों के साथ भीतर चली जाएं और जब तक बुलाया ना जाए बाहर नहीं आए। जाइए। प्रार्थना करो कि देवी रोहिणी का उपाय कार्य कर जाए। देखो चिरायो, देखो किस तरह ये लोग व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हैं, किंतु ये लोग जानते नहीं कि ये कोई साधारण सर्प नहीं है, ये विश्वान के सर्प हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये कैसे संभव है? धुएं और ताप का इन सर्पों पे तनिक भी प्रभाव नहीं है। ये कोई साधारण सर्प नहीं है, ये अवश्य दुष्ट कंस का कोई नया मायावी षड्यंत्र है। ये सर्प अवश्य उसी ने भेजे होंगे। परंतु माधव, ऐसा क्या विशेष था उन सर्पों में जो गोकुलवासियों के किसी भी प्रयत्न का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था? और आपने भी गोकुलवासियों की सहायता नहीं की? क्यों अंत नहीं कर दिया विश्वान का? तुमने देखा नहीं कि समस्त गोकुल एक साथ मिलकर उस समस्या से लड़ रहा था? संगठन की शक्ति का उपयोग कर रहे थे वो, और मैं चाहता था कि गोकुल अपनी सहायता करना स्वयं सीखे, किसी और पर निर्भर ना रहे। जो स्वयं अपनी सहायता करना जानते हैं, नियति भी उनकी ही सहायता करती है। तो फिर आप देखते रहें। नहीं, प्रतीक्षा करता रहा उस क्षण की जब विश्वान मेरे सामने प्रकट हो जाए। ऐसा क्यों? जब विश्वान अपनी शत्रुता और दुष्कर्म सबके समक्ष नहीं ला रहा था, तो मैं भला अपनी शक्तियां कैसे सबके समक्ष ले आता? रुक्मणी, प्रत्येक अवतार का कर्तव्य मनुष्य को पीड़ा और पाप से मुक्ति दिलाना नहीं होता, बल्कि उन्हें पीड़ा पाप अधर्म से लड़ना सिखाना होता है। मनुष्य रूप में अवतार लिया ताकि सबको एक उदाहरण मिल सके कि मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो हर अधर्म पर विजय पा सकता। समझ आ गया माधव। फिर आगे क्या हुआ? क्या किया विश्वान ने?
इस पर गोकुलवासियों की क्या प्रतिक्रिया थी? समय बीतते बीतते पाषाण दृष्टिक विश्वान का उत्पाद बढ़ता गया। क्या हुआ, ये सभी पशु इतने विचलित क्यों हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जल पीते ही सारे पशु विचलित होने लगे हैं। हे ईश्वर, कब तक हमें ये पीड़ा भोगते हुए देखोगे? हमारी सहायता करो, इन सर्पों के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ। इतनी मेहनत क्यों? बस अभी से थक गया दाऊ, मैं तो बहुत काम बाकी है दाऊ। चेको को गोकुल से बाहर निकलना भी है। निकलना तो है काना, पर इस पैसे से हम क्या करेंगे? अरे उठो उसे, थक गया हूँ मैं। थक नहीं गए सुबल, काम क्या हो तुम? शिक्षिता से उठा और काम करो और मेरे साथ चलो, इससे पहले कि मैं आ जाए। बहुत काम करना है अभी, उसके आने का पल निकट जो है। कौन आ रहा है काना? वही दाऊ जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अभी प्रतीक्षा करो, थोड़ी देर में आप भी समझ जाओगे। यही उचित समय है नंदराज, जो कार्य करने आए हैं उसे पूर्ण करने का। हम सब तत्पर हैं, जानते हैं कि जीव जंतुओं की हत्या करना अपराध है, परंतु हम विवश हैं। ईश्वर जानता है हम केवल अपने परिवार को बचाने के लिए हिंसा कर रहे हैं। ये मेरी योजना है, इसलिए इसका जो भी परिणाम होगा उसे भुगतने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोकुल पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब बिना विलंब किए हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो चलो। तो तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी योजना सफल होगी? तुमने कुछ सुना उपनंद? हाँ नंदराज, परंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा स्वर आ कहां से रहे। यहां से। We'll be right back.
कौन हो तुम और क्या चाहते हो? क्षमा चाहता हूँ, किंतु मैं अपना परिचय किसी को नहीं देता। मेरे कार्य ही मेरा परिचय देते हैं। वैसे मेरे इन मित्रों से तो आप सब लोग मिल ही चुके होंगे। मैं हूँ पाषाण दृष्टिक विश्वान। तो ये सब तुमने किया है? क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिस पर मेरे आश्रयदाता का अधिकार है। क्या? कृष्णा कृष्णा कृष्णा।